इलाज के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीनतम उपचारों में से एक है, लेकिन अपना वैभव खो रही इन प्राचीनतम पद्धतियों को सहेजने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन के तहत होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने होम्योपैथी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया। इसके साथ ही होम्योपैथी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण ही आज योग, आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति समेत तमाम प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां अपना विलुप्त होता वैभव पुनः प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीजें बाहर आती हैं, तमाम चीजों पर चर्चा होती है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि वो भी आयुष के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने होम्योपैथी और आयुष को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी गंभीर रोगों के निदान का एक कारगर उपाय है, देवभूमि उत्तराखंड आयुष की प्रेरक रही है और होम्योपैथी हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति रही है। उन्होंने कहा कि आयुष और योग के क्षेत्र में भी भारत की वैश्विक स्तर पर अलग पहचान है, इसीलिए इनको हमें अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा। इस देवभूमि में मैं आया, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का जो मैं देख रहा हूँ, जो विकास हो रहा है उत्तराखंड का सार्वभौमिक विकास, और निश्चित रूप से आयुष हमारा प्रदेश बने, यह जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज होम्योपैथिक दिवस पर जो ये सम्मेलन हजारों लोग आए, उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।